एक महिला ठेले पे सब्जी लगा के बेचती है और उस सब्जी वाले के पास एक एसडीएम की गाड़ी आकर रुकती है। एसडीएम की गाड़ी रुकने के बाद उसमें से एसडीएम साहब निकलते हैं और उस महिला के पास जाते हैं। महिला के पास जाते ही वो महिला देखती है एसडीएम साहब को और देख के फुट फुट रोने लग जाती है। आखिर उस महिला का एसडीएम साहब से क्या रिश्ता था और आखिर वो देख के क्यों रोने लग जाती है? तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इससे मेरा मनोबल और भी ज्यादा बढ़ता रहे और मैं नई नई कहानियां लेके आती रहूं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे कि आप लोग की कहानी अच्छे से समझ में आए। ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश की है जहाँ पे एक बहुत ही सुंदर लड़की रहती थी जिसका नाम है सोनम। सोनम एक इतनी ज्यादा सुंदर लड़की थी जिसे कि वो खुद पे उसको बहुत ही ज्यादा घमंड था अपनी सुंदरता का, और इतना ज्यादा घमंड होने के साथ वो दूसरों का बहुत ही ज्यादा बेइज्जती करती थी। वो अपनी सुंदरता के लेके हमेशा चर्चे में रहती थी, लेकिन फिर भी वो सामने वाले का इज्जत एकदम नहीं करती थी। वो सोचती थी कि इस पूरे गांव में एक मैं ही सुंदर हूँ, और वो अपनी सहेलियों से भी बहुत ही ज्यादा कंपेयर करती थी अपनी सुंदरता को लेके, और अपनी वो सहेलियों से हमेशा बात करती थी कि मेरे लिए तो कोई राजकुमार ही आएगा जो मुझसे शादी करेगा। सोनम पढ़ने लिखने में बहुत ही ज्यादा तेज थी और पढ़ाई के साथ साथ उसकी उम्र भी जो थी वो भी बढ़ती जा रही थी, और इस वजह से सोनम के माता पिता को लगा कि अब सोनम की शादी कर देनी चाहिए। तभी वो आस पड़ोस के लोगों से सोनम के बारे में बातचीत करने लगे कि अगर कोई अच्छा लड़का हो तो हमें जरूर बताइएगा। तभी 2-3 दिन के बाद एक पड़ोसी आते हैं घर पे और वो एक लड़के के बारे में बताते हैं। तभी अगले दिन सोनम के पिता और सोनम के भाई जाते हैं उस लड़के को देखने के लिए। लड़के का नाम राजेंद्र होता है जो कि देखने में सुंदर नहीं था, लेकिन वो अपनी व्यवहार और अपनी मेहनत की वजह से हमेशा चर्चे में रहता था। लोगों की नजरों में वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा मेहनती था। वो पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ही ज्यादा तेज था, बस देखने में ही थोड़ा सुंदर नहीं था। लेकिन यही बात जो थी सोनम के पिताजी और भाई को बहुत ज्यादा अच्छी लगी कि वो बड़ों की इज्जत करना बहुत अच्छे तरीके से जानता है और संस्कारी भी बहुत ही ज्यादा था। तो इस वजह से शादी वहीं पे वो लोग ठीक कर देते हैं सोनम के भाई और पिताजी, और घर पे आके सोनम को बताते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए ये लड़का देखा है और शादी भी मैंने फिक्स कर दी है। और ये बातें सोनम जब जानती है तो उसको लगता है बुरा, वो फिर अपने पापा से सवाल जवाब करने लगती है। वो बोलती है अपने पापा से कि लड़का देखने में कैसा है, मेरे लायक है ना, मैं इतनी सुंदर हूँ, आप लड़का काला कहीं ढूंढ दिए तो। तभी सोनम के पिताजी बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लड़का बहुत ही ज्यादा पढ़ने में तेज है और बहुत ही ज्यादा संस्कारी है, उसको कुछ ही दिनों में अगर उसने ज्यादा मेहनत किया तो उसने उसका नौकरी जो है वो तुरंत ही लग जाएगा। अब इस बात से सोनम को जो थी वो खुशी नहीं थी, वो बस सोच रही थी कि लड़का सुंदर होना चाहिए। सोनम के भाई ने सोनम को फोटो दिखाया और तभी सोनम देख के उसका सर झुक गया और वो अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा मायूस हो गई। लेकिन वो बात बोल भी नहीं सकती थी क्योंकि गांव देहात की लड़कियां उतना ज्यादा अपनी शादी को लेकर नहीं बोल पाती है अपने घर में, या फिर शादी के लिए मना नहीं कर पाती है। जैसे पिताजी देखते हैं या फिर भाई देखता है उस लड़के से वो लोग शादी कर लेते हैं, तो ऐसे ही सोनम के साथ भी हो रहा था। उसने जो है वो मना नहीं कर पाई सोनम शादी के लिए, लेकिन फिर भी जो है उसने शादी के लिए हाँ कर दिया क्योंकि उसको अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा दुखी भी हो रहा था। लेकिन फिर वो ये भी सोच रही थी कि घर वाले सब क्या बोलेंगे, वो हाँ कर दी शादी के लिए। अब ऐसे ही दिन गुजरते जा रहा था। उसके बाद शादी का वो दिन भी आ गया जिस दिन सोनम की शादी होने वाली थी। सभी बारात आ जाती है दरवाजे पे और सभी अच्छे से स्वागत करते हैं दूल्हे का। दूल्हे का स्वागत करने के बाद से सभी घर वाले और लड़की के साइड वाले बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि सोनम ऐसे ही सुंदर रहती है, और सोनम के ससुराल वाले वो तो बहुत ही ज्यादा खुश थे कि उनको लड़की बहुत ही ज्यादा पसंद थी। लेकिन सोनम जो है उसको लड़का एकदम पसंद नहीं था। जयमाला का टाइम होता है और जयमाला के टाइम पे सोनम जो है वो स्टेज पे जाती है और वो लड़का भी स्टेज पे आता है। और तभी जब माला पहनाने का टाइम आता है तभी सोनम देखती है लड़के को। लड़के को देखने के बाद से उसके होश उड़ जाते हैं। वो मन ही मन सोचती है कि फोटो में ये थोड़ा गोरा दिख रहा था लेकिन सामने तो ये बहुत ज्यादा काला दिख रहा है। अब सोनम जो है वहीं पे लड़के को मना कर देती है, वो बोलती है कि मुझे शादी नहीं करना है, और उसने वरमाला डालने से मना कर दिया और वहीं स्टेज पर से नीचे उतर गई। तभी सोनम के जो पापा हैं वो आते हैं और सोनम को समझाते हैं कि बेटी ऐसा नहीं करते हैं, ये देखने में सिर्फ पैसा लेकिन व्यवहार में बहुत ही ज्यादा अच्छा है और सबसे बहुत ही अच्छे तरीके से बात करता है और संस्कारी भी है। तभी वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि नहीं मुझे शादी नहीं करना है। क्योंकि पिताजी सोनम जी के पापा से बात करते हैं और बोलते हैं कि आपने नहीं बोला था और सोनम को आपने नहीं समझाया था कि मेरा बेटा इस कलर का है, आखिर अभी शादी के टाइम में ये क्या नौटंकी हो रहा है। तभी सोनम के जो पिताजी थे और सोनम का जो भाई था वो बहुत ही ज्यादा लाचार थे क्योंकि उन्होंने पहले ही सोनम को समझाया हुआ था और बोला हुआ था, और वो अभी भी बहुत समझाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो माने को तैयार नहीं थी। वो बोल रही थी कि नहीं भले मैं मर जाऊंगी लेकिन शादी नहीं करूंगी। तभी जो है वो लड़का जो है वो चुपचाप से ये बातें सुनते रहता है। लड़का जो है बहुत ही ज्यादा समझदार और पढ़ा लिखा था तो इसलिए वो सोनम की बातें चुपचाप से सुनता है। सुनने के बाद से लड़का जो है वो अपने पापा को बोलता है कि रहने दीजिए, अगर उसको पसंद नहीं हो तो जबरदस्ती शादी मत करवाइए क्योंकि आगे की जो जिंदगी है वो बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगी, ये सब छोड़ दीजिए, चलिए बारात लेके वापस। सोनम के पिताजी और सोनम के भाई जो है वो सोनम को बहुत ही ज्यादा समझाते हैं और समझाते समझाते बहुत ही ज्यादा जबरदस्ती भी करने लग जाते हैं। वो बोलते हैं कि तुम्हें ये शादी करनी ही पड़ेगी, अगर तुम शादी नहीं करोगी तो समाज में हमारी बहुत ही ज्यादा बदनामी हो जाएगी। वो बोल रही थी बस मुझे शादी नहीं करनी है,
और तभी ये सब हंगामा होने के बाद गांव के जो कुछ लोग थे शादी में जो आए हुए थे वो लोग पुलिस को कॉल कर देते हैं। तभी वहीं पे मौके पर पुलिस भी आ जाती है और पुलिस अच्छे से समझाती है सोनम के पिता और भाई को, पूरी फैमिली वालों को अच्छे से समझाती है। पुलिस बोलती है कि नहीं, अगर सोनम शादी नहीं करना चाहती है तो नहीं करेगी, क्योंकि उसका ये अधिकार है, कानून की तरफ से ये उसको अधिकार मिला है, आप लोग उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, वो अपने पसंद से शादी करना चाहे तभी वो कर सकती है। और तभी मजबूरन में लड़के वाले को बारात लेके वापस जाना पड़ता है। अब लड़के वाले बारात लेके गांव से निकल ही रहे थे तभी गांव के पास में ही एक किसान रोक लेता है उन लोगों को। तभी वो किसान दूल्हे के पापा से बोलता है कि अगर आप बुरा नहीं मानेंगे तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तभी दूल्हे के जो पापा है वो बोलते हैं कि पहले ही हमारी इतनी बदनामी और बेइज्जती हो चुकी है, अब इससे बुरा क्या हो सकता है, आपको जो बोलना है बोलिए। तभी जो किसान है वो बोलते हैं कि अगर आप लोग को बुरा ना लगे और ये बारात अगर वापस आप लोग को ना ले जाना हो तो मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाह रहा हूँ, अगर ये बात अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग को ये बारात वापस लेके नहीं जानी पड़ेगी। तो वो पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्यों, बोलिए क्या बात है। तभी किसान जो है वो बोलते हैं कि मेरी एक बेटी है जो कि उतनी तो पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन घर का सारा काम कर लेगी और संस्कारी भी है और बड़ों की अच्छे से इज्जत भी करती है। तो ये सभी बातें सुन के दूल्हे के जो पिता है वो को ये बात अच्छी लगती है और बोलते हैं कि हाँ क्यों नहीं, मैं आपकी बेटी से अपनी बेटी की शादी करवा दूंगा। क्योंकि दूल्हे के जो पिता है वो सोचते हैं कि हम लोग इतने लोगों को बुलाए हैं और इतना खर्चा भी हो गया है कि सबके सामने हमारी क्या इज्जत रहेगी। तो ये सारी चीजें सोच के, और पहले के जमाने में ये सब ज्यादा माना जाता था, ये सारी चीजें सोच के वो शादी करवा देते हैं अपनी बेटी का। और तभी जो राजेंद्र है वो शादी करके अपने घर चला जाता है। फिर ऐसे ही कुछ टाइम गुजरने के बाद सोनम चल जाती है बाहर के शहर में पढ़ाई करने के लिए। वहां पे उसको एक लड़के से मुलाकात होता है जिसका नाम आकाश होता है। आकाश जो है वो सोनम के आगे पीछे घूमा करता था और ये बातें सोनम को बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी। सोनम मन ही मन सोचती है कि मैंने अच्छा किया जो कि वो शादी तोड़ दिया, अगर नहीं तोड़ी रहती तो आज मैं बहुत ज्यादा पछताती, क्योंकि ये लड़का मेरे लायक सही है, इससे मेरी जिंदगी बहुत ही ज्यादा अच्छे से गुजरेगी। अब तभी कुछ टाइम के बाद उन लोगों के बीच ऐसे ही एक साल गुजर जाता है और गुजरने के बाद दोनों में बहुत अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। दोस्ती होने के बाद से दोनों में जो प्यार है वो बने लग जाता है। लेकिन सोनम जैसा सोचती थी आकाश के बारे में वो ऐसा बिल्कुल भी लड़का नहीं था, वो बहुत ही ज्यादा गंदा लड़का था क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा नशा करता था, हर तरह की नशा वो करता था। आकाश जो है वो कई लड़कियों के साथ घूमा करता था और संबंध भी बनाता था, लेकिन आकाश जो है वो सोनम के साथ कुछ और ही ज्यादा अच्छा बन के रहता था। वो हमेशा उसके सामने अच्छा बन के आता था और जब भी मिलने आता था वो कोई नशा नहीं करता था, वो उसने सोनम को हमेशा अपनी अच्छाई ही दिखाई थी। इसकी वजह से सोनम जो है वो उस लड़के को बहुत ही ज्यादा अच्छा मानती थी। और ऐसे कुछ टाइम गुजरने के बाद 2 साल हो गया, 2 साल के बाद सोनम जो है अपने मम्मी पापा के पास कॉल करके बोलती है कि मुझे एक लड़का पसंद है जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा है और बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करता है मेरी और देखने में भी अच्छा है। सोनम के माता पिता सोचते हैं कि हम लोगों ने एक बार जो जबरदस्ती किया था जिसकी वजह से सोनम ने शादी नहीं किया था, अब हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। और माता पिता जो है वो डर की वजह से हो या फिर अपनी बेटी की वजह से वो लोग मान जाते हैं, बोलते हैं कि ठीक है तुम शादी कर लो। और तभी जो है उसके साथ शादी हो जाती है और वो अच्छा सोचती है, वो सोचती है कि अच्छा है मैंने आकाश से शादी की, आकाश से शादी किया, नहीं तो मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाती उस राजेंद्र से शादी करके। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसकी ज़िंदगी अब बर्बाद होने वाली है क्योंकि आकाश जो है वो बहुत ही ज़्यादा गंदा लड़का था। अब सोनम की शादी जो है ऐसे ही उसको कुछ नहीं पता चलता है और उसकी शादी ऐसे ही 6 महीने हो जाते हैं। 6 महीने के बाद उसको फिर भी कुछ नहीं पता रहता है और राजेंद्र जो है वो बहुत ही ज़्यादा अपनी वाइफ के साथ अच्छे से और खुशी से रहता था, लेकिन आकाश जो है वो बहुत ही गंदे तरीके से रहता था। उसको अगर अभी भी कोई नशा करना रहता था या फिर लड़कियों के साथ संबंध बनाने रहते थे तो वो बाहर में होटल बुक करता था और अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता था और संबंध बनाता था, लेकिन ये बातें सोनम को बिल्कुल भी नहीं पता लग रही थी। अब 6 महीने गुजरने के बाद उसको जो है थोड़ा मुरा पता लग रहा था, जिससे कि वो सोच रही थी कि चलो कभी कभी ड्रिंक करता है या फिर कभी कभी बाहर पार्टी मनाने जाता है। अब इस बात से सोनम को कोई दिक्कत नहीं हो रहा था, लेकिन ऐसे ही करते करते 1 साल गुजर गया। 1 साल के बाद सोनम को एक अच्छा सा प्यारा सा बेटा होता है, लेकिन फिर भी जो है आकाश का जो हरकत है वो नहीं छूट रहा था। 1 साल के बाद भी आकाश जो है वो धीरे धीरे अब ये सब चीज़ें घर में भी लाने लगा। वो घर में भी दारू शराब पीता था और अवैध संबंध बनाना या फिर लड़कियों से बातें करना वो सब अब सोनम के सामने ही करता था, लेकिन ये सब बात अब सोनम को बहुत ही ज़्यादा खराब लगने लगी थी। वो फिर आकाश जो है सोनम को अब डरा कर रखता था, वो अब सोनम को बोलता था कि अगर तुम अब इस बीच में कुछ भी करोगी या बोलोगी तो मैं तुम्हें मार दूंगा या फिर तुमको इस घर से भगा दूंगा। अब इस डर की वजह से सोनम जो है वो चुपचाप रहने लगी थी। सोनम को बहुत ही बड़ा झटका लगता है ये सब जान के और सोनम मन ही मन सोचती है कि मैंने ये लव मैरिज किया था लेकिन ये ऐसा निकल जाएगा मुझे पता नहीं था, मैं सुंदर हूँ और ये भी सुंदर है, मुझे लगा था कि दोनों का बहुत अच्छे से बनेगा लेकिन ये आखिर इसको क्या हो गया है, मैं तो इसको समझ रही थी कि ये मेरी कदर करेगा लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं कदर करता है मेरी
और आखिर एक साल के बाद इसको क्या हो गया है। सोनम को जो है वो पता लग गया था कि आकाश का बहुत लड़कियों के साथ चक्कर चल रहा है बाहर में, लेकिन सोनम जो है वो फिर भी कुछ बोल नहीं पाती थी आकाश को, क्योंकि आकाश जो है वो डरा धमका के रखता था सोनम को और बोलता था कि तुम अपना मुंह बंद करके हमेशा रखना, तुम अपने फैमिली वालों को भी कुछ नहीं बताओगी। और ऐसे लड़ाई झगड़ा करते करते दोनों के बीच में एक साल हो गया, और एक साल होने के बाद से फिर से उन लोगों का दूसरा बच्चा जन्म लिया, और होने के बाद से अब सोनम जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी पहले से, और कमजोर होने के साथ साथ घर में लड़ाई झगड़े भी बहुत ज्यादा बने लगे थे। लेकिन वो ये सब बात अपने माता पिता को भी नहीं बोल सकती, क्योंकि वो शादी अपनी मर्जी से की थी, और अब सोनम की शादी को 3 साल होने भी जा, सोनम जो है बहुत ज्यादा मजबूर हो गई थी, और अब आकाश को छोड़ के वो जा भी नहीं सकती थी, और न ही अपने फैमिली में अपने मायके किसी को ये सब बात बता सकती थी, क्योंकि वो सोच रही थी मन ही मन की जो कुछ भी हो रहा है सब मेरी वजह से हो रहा है, मैंने ये बात नहीं मानी थी। सोनम मन ही मन सोच रही थी कि अगर मैं ये सब बात अगर अपने घर में बताऊंगी तो वो लोग भी मुझे ताना मारेंगे और बोलेंगे कि तुम ये शादी अपनी मर्जी से की थी, हम लोगों ने तो बड़ी अच्छी जगह पे देखा था। अब यही सब डर की वजह से सोनम जो है हर चीज बर्दाश्त करती है आकाश का, और वो किसी को भी कुछ नहीं बताती। अब ऐसे धीरे धीरे होते होते आकाश और सोनम के बीच में लड़ाई झगड़े और भी ज्यादा बढ़ते जा रहे थे, और आकाश का जो है दिन पर दिन दारू शराब जो भी वो नशा करता था वो बहुत ही ज्यादा बढ़ते जा रहा था, और इस वजह से घर में कुछ पैसों की कमी भी आने लगी थी, और इस वजह से सोनम जो है वो अपने बेटे का अच्छे से ख्याल भी नहीं रख पा रही थी, बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी, और वो सोच रही थी कि उसको अब अपने पति से अलग रहना पड़ेगा, क्योंकि उसकी जो जिंदगी है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल से कट रही थी, और उसके दो दो बच्चे हो चुके थे जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा टेंशन में आ चुकी थी। अब वो सोच रही थी कि नहीं, मुझे इस आकाश से अलग रहना पड़ेगा, इसके साथ रहूंगी तो मेरे दोनों बच्चे ऐसे भूखे प्यासे रह जाएं। सोनम जो है वो अपने पति से अलग उठ के रहने लगती है एक रेंट के घर में, जो कि उसके पति के घर से कुछ दूर पे रहता है। अब वो वहाँ पे अपने बच्चों को लेकर रहती है और सोचती है कि अब मेरा कैसे गुजारा होगा। तो वहाँ पे बगल वाले गाँव में वो जाती है और एक ठेले पे सब्जी बेचने लग जाती है। सब्जी बेचते बेचते उसका पर डे का 400 से 500 रुपए हो जाता था, और उस पैसों से अपने बच्चे का अच्छे से पालन पोषण भी कर लेती थी, और उस पैसे से कुछ बचा के वो अपने बैंक में भी जमा कर लेती थी। तभी सब्जी बेचते बेचते सोनम को किसी से पता लगता है कि जिस लड़के से उसकी शादी, जो उसने मना कर दिया था, शादी नहीं हो पाई थी, वो लड़का अभी SDM बन चुका है। ये बातें सुन के सोनम बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है, और मन ही मन सोचती है कि हमारे माँ बाप हमारे लिए जो सोचते हैं वो अच्छा ही सोचते हैं, हम ही जो है वो जो उनको बुरा बना देते हैं। सोनम जो है वो अपने फैसले पे बहुत ज्यादा अफसोस करती है, और मन ही मन बहुत ज्यादा मायूस हो जाती है कि आखिर मैंने ये क्या गलती कर दिया। तभी जो है उसको अपनी बात का पछतावा भी होता है। तभी ऐसे ही सोनम रोज सब्जी बेचा करती थी वहीं पे ठेला लगा के, और तभी कुछ दिन बाद जो SDM जो राजेंद्र बन गया रहता है, राजेंद्र जो है वो अपनी गाड़ी से अपनी पत्नी को लेके कहीं जा रहा होता है, और तभी जो है रास्ते में ट्रैफिक लगती है, और वहाँ पे SDM जो है वो अपना गाड़ी रोक के वहीं से उतर के वो कुछ अगल बगल देख रहे थे कि कुछ खाने पीने को मिल जाए, और तभी वो अचानक से उनकी नज़र घूमती है तो वो देखते हैं कि सब्जी वाली को, जो कि एक सोनम की जैसे दिख रही थी, पर वो कन्फर्म नहीं थे, उनको लग रहा था कि नहीं ये कोई और ही होगी, सोनम नहीं होगी। तभी SDM साहब सोनम की तरफ आने लगते हैं कंफर्म करने के लिए कि ये वही सोनम है या फिर कोई और लड़की है, और ये चीज़ को सोनम देख लेती है, और देखने के बाद वो फुट फुट के रोने लग जाती है, वो मन ही मन घबराने लग जाती है कि मेरी तरफ आ रही मैं आके इनको क्या जवाब दूंगी, वो अपना चेहरा छिपाने लग जाती है। तभी SDM साहब आके वहाँ पे पास में और बोलते हैं कि अपना चेहरा मत छिपाओ, मैंने तुमको देख लिया है, तुम आखिर यहाँ पे सब्जी क्यों बेच रही हो। तभी सोनम जो है वो हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने लग जाती है और बोलती है कि मेरे साथ मैंने आपके साथ बहुत ही ज़्यादा गलती की है, तो आप मुझे माफ़ कर दें। और तभी राजेंद्र जो बोलता है कि नहीं, माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें सबकी अलग अलग सोच होती है और सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, तुम माफ़ी मत मांगो, पर ये बताओ कि तुम यहाँ पे सब्जी क्यों बेच रही हो। तभी जो सोनम है वो फुट फुट रोने लग जाती है, और SDM साहब को बैठा के अच्छे से अपनी कहानी बताती है, बोलती है कि मैंने अपनी पसंद से शादी की थी, और वो लड़का मुझे स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, लेकिन एक साल के बाद मुझे पता लगा कि वो कई लड़कियों के साथ घूमता था और शराब दारू का नशा भी सब करता था, लेकिन ये बात मुझे पहले नहीं पता थी, लेकिन ये सब बात मैं अपने परिवार में भी किसी को नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो मैंने अपनी पसंद से किया था, तब वहाँ पे बताऊंगी तो वो लोग भी मुझे 4 बातें सुनाएंगे कि तुम अपनी पसंद से ही शादी की हो। अब ये बातें सब सुन के SDM साहब बोलते हैं कि नहीं, तुम अपनी गलती पे अफसोस मत करो, अगर तुमको किसी भी चीज़ की कोई भी अगर ज़रूरत होगी तो मुझे बोलना, मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगा। और ये सब बात बोल के SDM साहब चले जाते हैं अपनी गाड़ी में बैठने, और बैठते हैं तभी उनकी वाइफ बोलती है कि ये तो हमारे गांव की सोनम है ना। तभी बोलते हैं SDM साहब कि हाँ ये हमारे गांव की है, और ये वही लड़की है जिस दिन मेरी शादी टूट गई थी और मैंने तुमसे शादी की थी। और तभी बोलते हैं कि आखिर इसकी तो बड़े घर में शादी हुई थी और ये सब्जी क्यों बेच रही है। तभी SDM साहब उसकी पूरी कहानी बताते हैं और बोलते हैं कि इसके साथ बहुत ही गलत हुआ है, और तभी वो अपनी वाइफ को लेके चले जाते हैं अपने घर पे। दोस्तों ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें चेहरे के ऊपर नहीं जाना चाहिए, चेहरा खाने पीने को नहीं देती है, या फिर चेहरे की वजह से हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये हमें बहुत ही ज़्यादा इज्जत करेगा या फिर बहुत ही ज़्यादा हमें मानेगा, क्योंकि इज्जत करना और मानना और सबके बीच में आपकी इज्जत कदर करना ये
किसी के व्यवहार पर निर्भर करता है, उसके संस्कार पर निर्भर करता है, ना कि सुंदरता के ऊपर करता है। क्योंकि सुंदरता जो है वो फोर व्हीलर गाड़ी या फिर बड़े से होटल में आपको खाना पीना देने के लायक नहीं होता है। क्योंकि अगर आपके पास अच्छा गुण, अच्छा व्यवहार, अच्छा संस्कार नहीं होगा तो आप एक अच्छे इंसान नहीं कहला सकते हो। और सोनम को अपने चेहरे और अपनी सुंदरता पर बहुत ज्यादा घमंड था, जो कि आज उसका घमंड जो है वो चूर चूर हो गया था। अभी वो जो है वो उसका अपने घमंड पे और जो भी था उसको पछतावा हो रहा था। अभी इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें जो भी है, जैसा भी है, हम किसी के व्यवहार पे जाना चाहिए, उसके संस्कार पे जाना चाहिए, ना कि सुंदरता के ऊपर जाना चाहिए। तो ये कहानी आप लोग कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। सो थैंक यू सो मच।